हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में लेक्चरर इंग्लिश का पेपर डिस्कस किया जाएगा। लेक्चरर इंग्लिश का पेपर आज ही 8 नवंबर 2020 को पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी ने मुनक्किद किया है। लेक्चरर इंग्लिश के पेपर के जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हमें अभी मौसूल हुए हैं, जो आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। व्यूवर्स, इस वीडियो में आपके साथ क्वेश्चंस की शॉर्ट डिटेल शेयर नहीं की जाएगी, क्योंकि ये करंट पेपर है और बहुत से सब्सक्राइबर्स के मैसेज आ रहे हैं कि ये जल्द से जल्द अपलोड किया जाए। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर वन, न्यूली रिलीज्ड बुक इन 2020 द पेंडेमिक सेंचुरी इज रिटन बाय ऑथर। 2020 में एक किताब जारी की गई है जिसका नाम द पेंडेमिक सेंचुरी है। इसके ऑथर का नाम मार्क होनिग्सबॉम है। क्वेश्चन नंबर टू, ऑन 13 अगस्त 2018 द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान टुक ओथ। 13 अगस्त 2018 को पाकिस्तान की जिस नेशनल असेंबली ने हलफ उठाया है वो पाकिस्तान की 15वीं नेशनल असेंबली है। क्वेश्चन नंबर थ्री, ऑल कॉर्निवर्स प्लांट्स आर इनकैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। चार ऑप्शन थे, जो करेक्ट ऑप्शन है वो आर इनकैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस है। क्वेश्चन नंबर फोर, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय। डीएनए का स्ट्रक्चर जेम्स वाटसन ने दरियाफ्त किया। क्वेश्चन नंबर फाइव, द ट्रांजिस्टर वाज इन्वेंटेड बाय। ट्रांजिस्टर को जॉन बार्डीन ने ऐजाद किया। पेपर में सिर्फ बार्डीन लिखा हुआ था आपने, इसलिए आपके साथ बार्डीन ही शेयर किया। इसका पूरा नाम जॉन बार्डीन है। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले अगर आप ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट पेपर की अपडेट आपको मिल सके, क्योंकि ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर करंट एंड पास्ट पेपर्स अपलोड किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द टर्म डबल फॉल्ट इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग गेम्स। डबल फॉल्ट जो टर्म है ये टेनिस की गेम में इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन नंबर सेवन, कैंतास इज एन एयरलाइन ऑफ। कैंतास जो है ये ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत से पेपर्स में कैंतास एयरलाइन के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर एट, द कंट्री पनामा इज सिचुएटेड एट। पनामा मुल्क जो है ये साउथ अमेरिका में वाकया है। व्यूअर्स, अगर आप इसे सर्च करेंगे तो आपको सेंट्रल अमेरिका मिलेगा, लेकिन पेपर में जो ऑप्शंस थे उनमें जो सूटेबल है वो साउथ अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर नाइन, बिटवीन होम द चार्टर ऑफ मदीना वाज कंडक्टेड। चार्टर ऑफ मदीना मुसलमान और यहूदियों के दरमियान तय पाया था। क्वेश्चन नंबर टेन, विच कजन ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज मुसफर कुरान। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुसफर कुरान कहा जाता है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो टाइटल है वो मुसफर कुरान है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्प्लिट अ टेबल इन एमएस वर्ड। आर प्लस स्पेस प्लस एंटर। जब हम तीनों को इस्तेमाल करेंगे, प्रेस करेंगे, तो ये की जो है स्प्लिट अ टेबल के लिए यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, इन एमएस वर्ड 2016 इक्वेशंस ऑप्शंस आर अवेलेबल इन इंसर्ट मेन्यू। इक्वेशंस का जो ऑप्शन है वो एमएस वर्ड में इंसर्ट के मेन्यू में है। क्वेश्चन नंबर 13, रहीम बॉट अ शर्ट ऑफ 350 एंड स्टॉल्ड इट इन 300। हाउ मच लॉस डिड ही गेट। रहीम ने 350 रुपए की शर्ट खरीदी और उसे 300 में बेच दिया, उसे कितना नुकसान हुआ। सिंपल आंसर है 50 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 14, सेडिमेंट्री रॉक्स आर रफ। क्वेश्चन नंबर 15, पैम्फलन बीच इज अ बीच ऑफ फ्रांस। पैम्फलन बीच जो है ये फ्रांस में वाकया है, फ्रांस में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 16, इंडिकेट द कोल्डेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो सबसे
ठंडा शहर है वो ज़ियारत है। व्यूवर्स चार ऑप्शन दिए गए थे जिनमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो ज़ियारत था। अगर आप वैसे ओवरऑल देखें तो स्कर्दू पाकिस्तान का सबसे ठंडा तरीन शहर है, लेकिन चार ऑप्शंस में से पूछा गया था, उन चार ऑप्शंस में से जो कोल्डेस्ट सिटी है वो ज़ियारत है। क्वेश्चन नंबर 17, ब्राह्मा समाज वाज डिवेलप्ड एंड मॉडिफाइड बाय। ब्राह्मा समाज जो है इसे बनाने में राजा राम मोहन राय शामिल था। ये ऑप्शंस में मौजूद नहीं है इसलिए नन ऑफ दीज को हम टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, अश्कले उड़ाना का क्या मतलब है? अश्कले उड़ाना का मतलब है फितने वाली बात करना। सवाल नंबर 19, काफूर होना का क्या मतलब है? काफूर होना का मतलब है ठंडा पड़ जाना। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मैनी प्लेज शेक्सपियर रोड? शेक्सपियर ने कितने ड्रामे लिखे? शेक्सपियर ने टोटल 37 प्लेज लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द गोल्डन ब्रेथ इज अबाउट। गोल्डन ब्रेथ ये पांच पोइट्स के बारे में थी। क्वेश्चन नंबर 22, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस इज कॉल्ड। सेंटेंसेस मुहावरों के स्ट्रक्चर का मुताला सेंटेक्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23, हु ट्रांसलेटेड द बंगाली पोएम्स ऑफ गीतांजलि? रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे ट्रांसलेट किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ये वही है जो साहब का पेपर्स में जिसके बारे में क्वेश्चन आया था, जिसे लिटरेसी में नोबल अवार्ड दिया गया। जी व्यूवर्स, ये चंद क्वेश्चंस थे जो हमें मौसूल हुए थे, आपके साथ शेयर किए हैं और कोशिश की है कि इन्हें एक्यूरेट आपके साथ शेयर किया जा सके। अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में कोई मिस्टेक हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर के साथ करेक्ट आंसर जरूर मेंशन कीजिएगा। इसके साथ ही हमें इजाजत दें, नेक्स्ट पेपर में नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।